Radiation is a process by which heat is transmitted from one place to another without heating intervening medium. Medium चाहिए ही नहीं, वो कहते हैं medium के particle गर्म होंगे ही नहीं. तो electromagnetic radiation से heat जो है वो एक part से दूसरे part तक पहुंच जाएगी, energy transfer हो जाएगी electric और magnetic field के form में. इसमें atom हो ना हो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, ना तो वो गर्म होंगे. तो इसके अंदर एक थ्योरी है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है प्रीवोस्ट. उसने बताया प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज. ये साइंटिस्ट का ये मानना है कि कोई भी बॉडी दुनिया में आप लें, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे ये बेंच, चाहे फैन, चाहे कुछ भी, चाहे बिल्डिंग, हर वक्त हीट अपने अंदर से फेंकती जा रही है और सराउंडिंग से हीट लेती भी जा रही है. कोई भी बॉडी अपने अंदर से हीट को फेंकती भी जा रही है, बाहर फेंकती जा रही है और एब्जॉर्ब भी करती जा रही है. रिलीज कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, रिलीज कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है कॉन्टिन्यूसली. हाँ, वो अलग बात है कि अगर वो रिलीज ज़्यादा कर देगी, एब्जॉर्ब उसको कम करने को मिलेगा, तो बॉडी ठंडी हो जाएगी. अपनी हीट बाहर निकाल देगी ज़्यादा, तो वो टेम्परेचर डाउन कर लेगी. सर्दियों में यही होता है. तो वो कोई बॉडी गर्म है, अंदर का टेम्परेचर गर्म है, बाहर तो बहुत ठंड है, तो बाहर से हीट मिलती नहीं है, लेकिन हमारी हीट बाहर चली जाती है, तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है. गर्मियों में उल्टा हो जाता है. गर्मियों में बाहर बहुत गर्मी है, बॉडी का टेम्परेचर उससे भी कम है, तो हम बाहर फेंक नहीं सकते क्योंकि बाहर का टेम्परेचर तो हाई है, या बहुत कम फेंकते हैं, लेकिन मिलती हमें ज़्यादा है, हीट सराउंडिंग से ज़्यादा मिल जाती है, तो हमें गर्मी लगती है क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. तो इसलिए गर्मी सर्दी लगती है. हर वक्त हर बॉडी ये करती ही जा रही है. तो सर्दियों में कोई मेटल का सब्सटेंस बहुत ठंडा हो जाता है, क्यों? अपने अंदर से हीट बाहर फेंकता जाएगा, सराउंडिंग हीटती रहेगी, तो उसको मिलेगी कुछ है नहीं, तो वो ठंडा हो जाएगा. तो यही है इसमें. All bodies at temperature greater than 0 Kelvin, 0 Kelvin पे नहीं होता, otherwise 0 Kelvin से ज़्यादा temperature पे होता ही रहता है. Emit heat to the surrounding and gain heat from the surrounding at all time. हर वक्त ऐसा होता रहता है. Second, amount of heat radiated per second depend upon nature of the emitting surface, its surface area and temperature. तो कोई body को, किसी बंदे को ज़्यादा ठंड लगती है, किसी को कम ठंड लगती है, तो ये उसकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी हीट को बाहर रिलीज करता है, कितनी नहीं करता. ठीक, ऐसी बाकी बॉडीज भी हैं, कोई ज़्यादा हीट रिलीज कर देती हैं, कोई कम करती हैं, उसके एरिया पे डिपेंड करता है, उसकी बॉडी की शेप पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बहुत चीज़ें जिस पे ये डिपेंड करता है. द रेट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द बॉडी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इट्स टेम्परेचर एंड इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सराउंडिंग ऑफ द बॉडी. किसी बॉडी का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा हीट फेंकनी स्टार्ट कर देती है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर प्रोवाइडेड कम हो तो वो ज़्यादा हीट फेंकती जाएगी. आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ बॉडी का, वो उतनी हीट रिलीज करती जाएगी. ये नेक्स्ट रूल है. देयर इज अ कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन अ बॉडी एंड द सराउंडिंग, बता दिया. द राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज द नेट रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग. कोई बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा वो डिपेंड करेगा उसका नेट एक्सचेंज कितना है. अगर उसका गेन ज़्यादा हो रहा है हीट का तो वो गर्म हो जाएगी, उसका लॉस ज़्यादा हो रहा है अपने अंदर से तो वो ठंडी हो जाएगी. The exchange of heat between the body and the surrounding continues till the thermal equilibrium is established. तो ये अगर मान लो बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के इक्वल हो गया, फिर जितनी हीट वो देगी उतनी हीट वो लेगी, तो थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, तो ना तो इसका मतलब वो देगी ना वो हीट लेगी, तो टेम्परेचर विल रिमेन सेम. तो नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन. तो थर्मल रेडिएशन में वो कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव constituted by oscillating electric and magnetic field. ये ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा. जो electromagnetic waves है उसमें electric और magnetic field है, plus 2 का chapter है ये, इससे बनी होती है electromagnetic waves. और thermal radiations कुछ नहीं है, electromagnetic radiations emitted by the body by virtue of its temperature. कि कोई भी गर्म body is a source of electromagnetic waves, मैंने बताया था गर्म body सेक मारती है. सेक क्या है? electromagnetic waves है. तो ये electromagnetic radiations है. तो इसके base पे हम क्या करेंगे, हम ये अज्यूम करते हैं कि कोई भी अगर बॉडी का टेम्परेचर हाई है तो अपने अंदर से हीट को रेडिएट करेगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको थर्मल रेडिएशन भी बोला जाता है.